आज फिर नई मुंबई में ट्रैफिक लगी है, ना जाने आगे क्या हो रहा है। चाहे से रोड के काम चालू रहेंगे या फिर नाकाबंदी या फिर एक्सीडेंट, अभी वो आगे जाके अपने को मालूम गिरेगा। तो बहुत दिनों के बाद मैं मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, बीच में बहुत बड़ा ब्रेक ले लिया था, अभी फिर से मोटो ब्लॉगिंग ये पूरा मैं करने वाला हूँ कंटिन्यू। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है विशाल, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो बड़े दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। और ये ट्रैफिक भी है और आगे दुर्घटना हुई है, बहुत बड़ा लगता है, एक्सीडेंट हुआ है, भीड़ भाड़ बहुत सारी पब्लिक खड़ी है यहाँ पर। तो आगे सब पब्लिक यहाँ पर खड़ी है और ये ऑटो रिक्शा जो बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुकी है, और यहाँ पर जो गिरे है वो लोग भी बैठे यहाँ पर, और ये दूसरी रिक्शा भी यहाँ पर ही है, यहाँ से पीछे से ठोका है दो रिक्शा को लगता है। चल भाई पूरे भाई, चलना यार आगे तू। तो यहाँ पर रुक के अपन, ओहो ये गाड़ी है, लग्जरियस कारों में से ये गाड़ी मानी जाती है, पोर्श कार। इस गाड़ी का नाम है पोर्श कार, पोर्श। भारी भरकम नुकसान हुआ है लगता है। अरे हो पुड़े, देख लो भाई, लग्जरियस कारों में से ये गाड़ी मानी जाती है, बोली जाती है, पोर्श कार इसका नाम है, लग्जरियस कार है ये भी। तो बुरी तरह डैमेज हो चुके है, वन साइड पूरा ये हेडलाइट ब्लेड पूरा तोड़ गया गाड़ी का भी। नई मुंबई के रोड पर काफ़ी स्पीड में कार रहती है, वैसे तो रिक्शा वाले को बहुत ज़ोर से उसने टक्कर मारी है, जो रिक्शा ऐसी डैमेज हो चुकी है। तो अभी इधर जो बैठे हैं उन लोग से अपन देखते हैं उनको कुछ लगा है कि नहीं। तो नॉर्मली लग रहे हैं। पहला मुझे जो पानी गिरा वो मुझे पूरा खून दिखा, पहला मैं जाते टाइम दिखा, तो नॉर्मल दिख रहे ये लोग। और रिक्शा का हाल बेहाल हो चुका है, जो पीछे से ज़ोर से टक्कर मारी है कार ने, तो खतरनाक एक्सीडेंट हो चुका है ये। पर नसीब किसको लगा नहीं है, ये अच्छी बात है, किसी को ज़्यादा चोट आई नहीं है, पर रिक्शा पूरी तरह डैमेज हो चुकी है। ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। नई मुंबई की रोडों पर अक्सर गाड़ी बहुत स्पीड में रहती है, तो मैं भी डरता हूँ इस रोड पर गाड़ी चलाना, क्योंकि मेरी भी बाइक से मैं मतलब चलाती रहता हूँ। और नई मुंबई के रोड्स काफ़ी बड़े है और वहाँ पर जो कार जो इतनी स्पीड से जाती रहती है तो मैं भी डर जाता हूँ, तो धीरे ही चलाना। ये भाई हॉस्पिटल कॉल कर रहा है एम्बुलेंस को, तो अब हम आगे निकलते हैं, देखते हैं दूसरी रिक्शा जो पीछे से डैमेज हो चुकी है। तो आप भी ख्याल रखना अपना, स्पीड से गाड़ी मत चलाना नई मुंबई हाईवे के ऊपर, ध्यान से गाड़ी चलाना। यहाँ पर नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, ऐसा यहाँ पर इस माहौल है, मतलब यहाँ का जो रोड का, क्योंकि नई मुंबई में बहुत से मतलब स्पीड में गाड़ियाँ रहती है। तो देख लो कैसे हाल हो चुका है लग्जरियस कार का, अंदर का एयरबैग खुल चुका है, तो ज़्यादा सब सही सलामत है, किसको ज़्यादा चोट नहीं आई, गाड़ी का नुकसान हो चुका है। तो नई मुंबई गाड़ी पर ज़्यादा तेज स्पीड से गाड़ी मत चलाना और रोड के साइड से रहना ज़्यादातर, क्योंकि नई मुंबई में बहुत ही स्पीड से कार जाते रहते हैं। बहुत ही तगड़ा ऐसा एक्सीडेंट हो चुका है नई मुंबई हाईवे वाशी रोड पर। शायद से जो फोर व्हीलर गाड़ी है वो काफ़ी स्पीड में रहेगी, क्योंकि इस हाईवे पर बहुत से कार बहुत ही स्पीड में रहते हैं। वैसे रिक्शा वाले बोल नहीं सकते किसकी गलती क्या है, पर इस हाईवे पर बहुत ही गाड़ी स्पीड में रहती है, तो जो कार है उसने ठोक दिया रिक्शा को, और रिक्शा की हालत आपने देख लिया कैसी हालत है। तो वाशी नई मुंबई हाईवे पर ऐसे एक्सीडेंट होते रहते, बट बहुत दिनों के बाद मैंने आज ये एक्सीडेंट देखा है। और इम्पोर्टेंट बात की है, जिस हाईवे पर गाड़ी चलाना मुझे भी बहुत काफ़ी डर लगता है, इसलिए मैं साइड से गाड़ी चलाते रहता हूँ। मेरा भी बहुत बार इस हाईवे पर एक्सीडेंट हो चुका है, और देख लो कैसे एक्सीडेंट होता है नई मुंबई वाशी रोड पर।